नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व और उसकी कथा। हरि प्रेमियों, एकादशी व्रत हमारे हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है और वर्ष में 24 एकादशी व्रत आते हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही संयम और साध्य है। इसी योग में यह व्रत संपूर्ण सुख और भोग और अंत में मोक्ष को देने वाला कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न को खाना वर्जित बताया गया है। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली इस एकादशी का व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, कृपया उस एकादशी का वर्णन हमसे कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों के पारंगत भी हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए और अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान हे पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माँ कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि तुम भी व्रत रखो, भीमसेन एकादशी को तुम भी भोजन अन्न मत करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भीमसेन की यह बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दो पक्षों के एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके किस प्रकार रह सकता हूँ? मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत ही अधिक खाता हूँ, तब जाकर यह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके मुझसे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या फिर मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल रहकर व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक
मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए तो यह पूर्ण व्रत होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात समय में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार यह सब काम पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं उन सब का फल एक निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विकराल आकृति विशाल काय और काले रंग वाले दंडधारी पासधारी भयंकर यम के दूत कभी नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु के दूत आखिर समय में इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेकर जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है, ऐसा सुना है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन खाता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर बहुत ही दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है वे परम पद को पाता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, या फिर प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति की मिठाइयों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण जरूर संतुष्ट हो जाते हैं और उनके संतुष्ट होने पर भगवान श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम दान में प्रवृत्त होकर भगवान श्रीहरि की पूजा और रात में जागरण करते हैं वह इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है। उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र सैया गौ जल सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को उसे जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है और या फिर उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग कर दूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। धूप दीप पुष्प सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नानुसार
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो मंत्र संसार सागर से तारने वाले हैं वे देव हर्षिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो सुबह एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के पास भगवान विष्णु खुद आकर आनंद का अनुभव कराते हैं। उसके बाद द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से जानी जाने लगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हरि प्रेमियों, आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।